अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मैं इमरजेंसी में बना रहा हूँ तो इसलिए कोई माइक वगैरह मैंने नहीं लगाया है। आपने सिर्फ बात के ऊपर कॉन्सिडर करना है। देखें, आज सुबह से मुझे काफ़ी सारे दोस्त हैं कमेंट्स के अंदर मुबारकबाद दे रहे हैं कि तनवीर भाई आपका चैनल शो हो गया, आपको चैनल मिल गया, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो सबसे पहले भाई आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप अपना प्यार दिखा रहे हैं कि भाई तनवीर भाई का चैनल इनको वापस मिल गया। लेकिन ये छोटी सी वीडियो में जस्ट ये क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल शो ज़रूर हुआ है लेकिन मेरा चैनल फिलहाल मुझे नहीं मिला है। और जितने भी लोगों को स्ट्राइक्स जा रही हैं सुबह से, क्योंकि जो हैकर है वो सारे लोगों को स्ट्राइकें दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे पुराने चैनल की वीडियोस अपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई थी उन सबको वो स्ट्राइक्स दे रहे हैं। भाई वो स्ट्राइक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, और शायद वो स्ट्राइक इसी वजह से दे रहे हैं कि आपके दिलों में मेरे लिए एक नफरत पैदा करना चाह रहे हैं कि यार ये देखो तनवीर भाई सबको स्ट्राइकें मार रहे हैं। तो भाई वो चैनल मेरे पास नहीं है और मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दे रहा हूँ। अगर वो चैनल मेरे हाथ में होता तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता। फिलहाल वो चैनल मुझे नहीं मिला है, कोशिश अभी भी जारी है। एंटी साइबर क्राइम वालों से मेरी आज भी बात हुई है, उनके साथ भी मेरी बात हो रही है और यूट्यूब की टीम से भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक वो चैनल मेरे हाथ में नहीं आया है। बाकी ये जितने भी लोग तुक्के मार रहे हैं कि चैनल टर्मिनेट हो गया, डिलीट हो गया, तो चैनल टर्मिनेट या डिलीट होता तो आपके सामने अभी शो ना हो रहा होता। और जिन लोगों के माइंड में ये बात है कि शायद मैंने वो चैनल बेचा हो 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का, मेरा दिमाग ख़राब है यार, मैं इतना बड़ा चैनल जाके बेचूंगा और वो भी जस्ट 20-30 लाख रुपये का बेचूंगा, आपको लगता है कि ये चैनल 20-30 लाख रुपये वाला है, इसके अगर मुझे कोई 2 करोड़ भी देगा ना तो ये चैनल मैं कभी भी किसी को भी नहीं दूंगा। तो कोई बेचा बेचा नहीं है, और अगर मैंने बेचना ही होता, मतलब हराम के पैसे ही कमाने होते, तो मैं उस चैनल को अपने पास रख के महीने के भाई 20 लाख रुपये आराम से कमा सकता था। जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अगर मैं उस पर स्पॉन्सर्ड वीडियोस लगाता और ऐसे टॉपिक्स को कवर करता जिनका आरपीएम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता, सीपीसी अच्छा मिलता, तो मैं महीने के 15-20 लाख उस चैनल से कमा सकता था। लेकिन भाई जब 2 नंबर काम करना नहीं है तो आप लोगों के माइंड में पता नहीं क्यों ये बातें आती हैं कि यार शायद तनवीर भाई ने बेच दिया है। कोई बेचा बेचा नहीं है, सारी झूठी बातें हैं, सारा ड्रामा है। कोई चैनल मैंने बेचा नहीं है, ना टर्मिनेट हुआ है ना डिलीट हुआ है, चैनल मेरा 100% हैक हुआ है लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं आया है। आप सब दोस्त जो सुबह से मुबारकबाद दे रहे हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप मतलब दिल से खुश हुए हैं, लाजमी बात है तभी आप मुझे मुबारकें दे रहे हैं, लेकिन भाई मेरा चैनल अभी भी मेरे हाथ में नहीं है और जितने भी लोगों को स्ट्राइक्स मिल रही हैं वो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो आप जितने भी दोस्तों ने वीडियोज़ बनाई हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वाला जो चैनल है तनवीर भाई वाला, इसका लिंक दें। आप वीडियो बनाते हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दें यार, मेरा इस ये वाला जो चैनल है इसको थोड़ा सा ग्रो करें। वो चैनल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे काम का नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो बेशक उस चैनल को अनसब कर दें। और अगर मैंने बेचा होता ना तो जिसने मुझे 20 लाख या 30 लाख रुपये दिए होते वो मुझे ये बात करने कभी भी नहीं देता कि मैं आके लोगों को बोलूँ कि यार मेरा चैनल हैक हो गया। उसने अगर मुझे 20 लाख रुपये दिए हैं या 30 लाख या जितने भी, तो वो मुझे बोलेगा कि यार तनवीर भाई मैंने आपको लाखों रुपये दिए और आप दुनिया के सामने आके कह रहे हो कि मेरा चैनल हैक हो गया, ताकि पूरी दुनिया जाके उसको गालियां दे। ऐसा नहीं होता है। अगर वो चैनल आपने खरीदा होता 20 लाख 30 लाख रुपए का, आप मुझे ये वीडियो बनाने देते? कभी भी नहीं बनाने देते। आप मेरे खिलाफ जाके कोर्ट में केस कर देते कि यार मैंने इस बंदे से ये चैनल खरीदा है, इतने लाख रुपए का खरीदा है, और ये आके आवाम को बोल रहा है कि मेरा चैनल हैक हो गया। तो यार ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें ना किया करें, जिसको कोई समझदार बंदा ना माने। तो मेरा वो चैनल भाई अभी भी मेरे हाथ में नहीं है, ना बेचा है, ना डिलीट हुआ, ना टर्मिनेट हुआ, हैक हुआ है। तो इस चैनल को भाई अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको सपोर्ट करें, मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूं। और जितने भी दोस्त इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक दें, इस चैनल का लिंक दें, ताकि मुझे फ़ायदा हो, उस हैकर को फ़ायदा ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।